नियुक्ति पत्र मिल गया है, सपना पूरा हो गया, चेहरे पे दिख रहा है चमक। बहुत दिनों से जिसका वेट था वो अचानक हुआ कि 10 को आ रहा है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है 12 को, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट सैलरी के बारे में क्या प्लान है आप लोगों का, मतलब दिमाग में कुछ तो होगा? है कुछ कुछ, मम्मी पापा लोग के लिए कुछ करना है, जो अधूरा काम है उसको पूरा करना है, कुछ भाई लोग के लिए क्योंकि हम घर में सबसे बड़े हैं। फर्स्ट सैलरी का क्या करने वाले हैं, कुछ प्लान तो होगा दिमाग में, जब फर्स्ट सैलरी मिलेगी काफी खुशी होगा, क्या प्लान किया फर्स्ट सैलरी का? सर ऐसा जैसा कुछ प्लान तो नहीं किया है, तो अभी अचानक अगर दिमाग में आ रहा हो तो क्या करने वाले? सर उसमें से सर कुछ 50% डोनेशन में जाएगा और सर 50% पर्सनल जो भी मतलब घर वालों के लिए। कैसा लग रहा है बिटिया जो है वो आपके शिक्षक बन गई? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? हाँ, अच्छी। खुशी हो रहा है? हाँ, खुशी हुआ कि जो मेहनत की उसका उसको फल। पहले से विश्वास था कि पढ़ने में तेज बन जाएगी, मेहनत कर रही है? हाँ, तेज तो थी लेकिन अब नौकरी लेना संभव नहीं था, लेकिन मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन मिला तो बहुत मतलब बहुत खुशी हुई, कह नहीं सकते हैं। चलिए, पहले क्या डर था कि जिस तरह से डर था कि हाँ क्यों हो जाना ही है, पूरा खुश है, साथ में आए पूरा परिवार साथ में, पढ़ने में शुरू से अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम प्रभात तारा मैदान में हैं, जहां आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से 1500 पीएचडी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा है। यहां जिन्होंने नियुक्ति पत्र पाई है वो काफ़ी खुश भी दिख रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, क्या नाम हुआ आपका? जी प्रीति महतो। कहाँ से आई हैं, तो कहाँ से हैं आप? सर मैं वेस्ट सिंहभूम। Yes, कैसा लग रहा है फाइनल नियुक्ति पत्र जो है वो आपको मिल गया है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है, अंततः नियुक्ति पत्र हमारे हाथों में है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सरकार मतलब हमें एक अवसर दे रही है कि हम समाज को और बेहतर बनाए, एक शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाए, तो उसके लिए सर हम बहुत बहुत आभारी हैं सरकार का। फर्स्ट सैलरी का क्या करने वाले हैं, कुछ प्लान तो होगा दिमाग में, जब फर्स्ट सैलरी मिलेगी काफ़ी खुशी होगा, क्या प्लान किया फर्स्ट सैलरी का? सर ऐसा जैसा कुछ प्लान तो नहीं किया है, तो अभी अचानक अगर दिमाग में आ रहा हो तो क्या करने वाले? सर उसमें से सर कुछ 50% डोनेशन में जाएगा और सर 50% पर्सनल जो भी मतलब घर वालों के लिए। चलिए, थैंक यू। कुछ और हैं आपके सबके फैमिली मेंबर भी? नो सर। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, आपका क्या नाम हुआ, आप वहाँ क्यों रही हैं? अपूर्वा सिंह। अपूर्वा सिंह, कहाँ से हैं आप? हम पलामू जिला, डाल्टनगंज। डाल्टनगंज से? हाँ। फाइनली क्या आपका जो है रिएक्शन रहेगा, नियुक्ति पत्र मिल गया है, सपना पूरा हो गया, चेहरे पे दिख रहा है चमक? बहुत दिनों से जिसका वेट था वो अचानक हुआ कि 10 को आ रहा है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है 12 को, बहुत अच्छा लगा। और क्या शिक्षक बनने का पहले से सपना था या आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, फॉर्म आया डाल दिया? पहले से ही था, क्योंकि उसी हिसाब से ही पढ़ाई किया था कि पहले बीएससी एमएससी फिर बीएड करना है। फिर जैसे ही बीएड कंप्लीट हुआ 2022 में, उसी टाइम वैकेंसी आई, डाला हो गया। और ये सवाल सबसे हम पूछ रहे हैं, फर्स्ट सैलरी के बारे में क्या प्लान है आप लोगों का, मतलब दिमाग में कुछ तो होगा? है कुछ कुछ, मम्मी पापा लोग के लिए कुछ करना है, जो अधूरा काम है उसको पूरा करना है, कुछ भाई लोग के लिए क्योंकि हम घर में सबसे बड़े हैं। अच्छा, जिम्मेदारी बनती है, खुशी होगा कि वो जिम्मेदारी हम निभा पाएंगे, वैसा आएगा? बहुत अच्छा बात है कि हमको मौका मिला है, हर किसी को मिलता नहीं है, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे। आपके साथ फैमिली मेंबर्स भी हैं? चलिए, हाँ, तो इनके ये पिताजी हैं, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह। कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा लगा, इमोशनल हो गए। जी हाँ हाँ, मतलब पहले क्या डर था कि जिस तरह से डर था कि हाँ क्यों हो जाना ही है, हाँ। पूरा खुश है, साथ में आए पूरे, पूरा परिवार साथ में। पढ़ने में शुरू से अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी, इसीलिए पूरा विश्वास। हाँ, चलिए, उनके माता जी उनसे ही बात कर रहे थे, आपसे बात। कैसा लग रहा है बिटिया जो है वो आपके शिक्षक बन गई? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? खुशी हो रहा है? हाँ, खुशी हुआ कि जो मेहनत की उसका उसको फल। पहले से विश्वास था कि पढ़ने में तेज बन जाएगी, मेहनत कर रही है? हाँ, तेज तो थी लेकिन अब नौकरी लेना संभव नहीं था, लेकिन मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन मिला तो बहुत मतलब बहुत खुशी हुई, कह नहीं सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 1500 जो लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र मिला है, वो अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ भी आए हैं और काफ़ी खुश भी हैं, स्वाभाविक तौर पर है। इस वक्त में नौकरी मिल, सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए? फोटो सेशन चल रहा है? हाँ, क्या नाम? नीलम नाग। कहाँ से? मैं रांची से हूँ। रांची से ही? यस। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। हाँ। इतना दिन का मेहनत के बाद मंजिल पर पहुँचना, मंजिल पर अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त की सरकार को? शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग का जो भी अचीवमेंट अभी जो मिला है उसी की वजह से मिला है। और फर्स्ट सैलरी जब आपकी आएगी,
क्या कुछ प्लान किए हैं? चल रहा होगा ना जब फर्स्ट मंथ का सैलरी मिलेगा तो, क्योंकि फर्स्ट सैलरी का इम्पोर्टेंस वो ज़्यादा होता है ना, क्या करेंगे फर्स्ट मंथ सैलरी का? ये पेरेंट्स के लिए होगी फर्स्ट सैलरी तो, क्योंकि उसके अचीवमेंट जो भी अचीव मैं की हूँ परिवार की वजह से ही है। ये आपकी बहन है, आपका क्या नाम है? कैसा लग रहा है दीदी आपके शिक्षक बन गई? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है हाँ। तो दीदी से बोले ना कि मिठाई खिलाओ। हाँ, जरूर खिलाएंगे। और आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं? है, कैसा लग रहा है बेटिया शिक्षक बन गई? डर था क्या कि शायद नियुक्ति पत्र मिले ना मिले? नहीं नहीं मिलेगा बोल के उम्मीद था, कैंसिल हुआ था, स्थगित हुआ था, तो हम लोग लेके निकाले गए। पूरा खुश है चेहरे पे दिख रहा है, खुश है। तो प्रभात तारा मैदान में हम तमाम जो महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो शिक्षक बने, उनके रिएक्शंस को कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छा लम्हा होता है जब किसी का सालों का सपना जो है वो पूरा होता है, नियुक्ति पत्र मिल गया है, सपना पूरा हो गया है, चेहरे पे दिख रहा है चमक। बहुत दिनों से जिसका वेट था वो अचानक हुआ कि 10 को आ रहा है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, 12 को, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट सैलरी के बारे में क्या प्लान है आप लोगों का? मतलब दिमाग में कुछ तो होगा है, कुछ कुछ मम्मी पापा लोग के लिए कुछ करना है, जो अधूरा काम है उसको पूरा करना है, कुछ भाई लोग के लिए क्योंकि हम घर में सबसे बड़े हैं। फर्स्ट सैलरी का क्या करने वाले हैं? कुछ प्लान तो होगा दिमाग में, जब फर्स्ट सैलरी मिलेगी काफी खुशी होगा, क्या प्लान किया फर्स्ट सैलरी का? सर ऐसा जैसा कुछ प्लान तो नहीं किया है तो सर, अभी अचानक अगर दिमाग में आ रहा हो तो क्या करने वाले? सर उसमें से सर कुछ 50% डोनेशन में जाएगा और सर 50% पर्सनल जो भी मतलब घर वालों के लिए। कैसा लग रहा है बिटिया जो है वो आपके शिक्षक बन गई? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, खुशी हो रहा है? हाँ, खुशी हुआ कि जो मेहनत की उसका उसको फल। पहले से विश्वास था कि पढ़ने में तेज बन जाएगी, मेहनत कर रही है? हाँ, तेज तो थी लेकिन अब नौकरी लेना संभव नहीं था, लेकिन मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन मिला तो बहुत मतलब बहुत खुशी हुई, कह नहीं सकते हैं। चलिए, पहले क्या डर था कि जिस तरह से डर था कि हाँ क्यों हो जाना ही है, पूरा खुश है, साथ में आए पूरा परिवार साथ में, पढ़ने में शुरू से अच्छी थी? हाँ अच्छी थी।